गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि भाई इससे पहले जो नरेशन की जो हमारा टॉपिक है, जो नरेशन की जो फर्स्ट वीडियो है, जो पार्ट वन है, वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है, वो लिख देता हूं, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवा। तो इस चैनल पर जाकर के आप जो पिछली वीडियो हैं, जो भी बन चुकी हैं, उनको आप देख सकते हो। तो कल हमने जो इसका पार्ट वन है वो डाला था नरेशन का, तो आइए एक बार उसका पार्ट वन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे इसके अगले पार्ट टू में। पार्ट वन में क्या बताया गया आपको? पार्ट वन में ये बताया गया है भाई, जैसे भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का क्या रोल होता है भाई, हम टाइप की कैसे पहचान करते हैं, टेंसों को चेंज कैसे करते हैं, तो ये चीज आपको बताई जा चुकी है। तो अब जो इसके बारे में आपको नेक्स्ट बताते हैं भाई, आगे आपने क्या करना है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, वो चीजें आप देखिए। सुमित सेज टू प्रदीप, सुमित सेज टू प्रदीप I go to morning walk daily। अब ये जो सेंटेंस है, हालांकि ये सेंटेंस पहले हो चुका है, इसमें ये जो सेंटेंस है ये आपके रिवीजन के लिए है। इसमें क्या दिया गया है, ये जो पहला भाग है यानी सुमित से लेकर के और प्रदीप तक, सुमित से लेकर के प्रदीप तक का ये जो भाग है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका क्या कहलाता है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पीछे का भाग है ये आपका सारा क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सेंटेंस हो चुका है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भी अगर आपके सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, आपको अगर मान लो यहां पर ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका अहम रोल होता है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं करते। टेंस चेंज किसका होता है? टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये जो पिछला भाग है रिपोर्टेड स्पीच, इसका तो टेंस चेंज करते हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर आपने ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने अभी पहले लिखा था, अगर यहां पर आपको से दिखाई दे, कहां पर, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से दिखाई देता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेज दिखाई देता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से दिखाई देता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेज दिखाई देता है, रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आपको दिखाई देता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू दिखाई देता है, या रिपोर्टिंग वर्ब में आपको विल से दिखाई दे, या सेल से दिखाई दे। इन चीजों का ध्यान रखना है भाई, से दिखाई देता है, सेज है, सेज टू है, सेज टू है,
विल से है, सेल से है। अब यहां ऐसे हो सकता है विल से टू या सेल से टू, विल से टू, सेल से टू। अगर ये चीजें आपको दिखाई देती हैं तो क्या करना है, आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यानी क्या नहीं करना है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का क्या नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, जैसे भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होते हैं या फिर जो भाई जो नियरनेस को से संबंधित वर्ड होते हैं, नियरनेस, यानी जो पास वाली चीजों को बताते हैं, जो हमारे पास वाली चीजों को बताते हैं, तो उसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज किसको करेंगे, जैसे ये चीजें तो चेंज नहीं होगी, और इन चीजों को हम क्या करेंगे, इनको हम चेंज करेंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, सुमित सेज टू प्रदीप, तो अगर इस सेंटेंस में भाई ये आपका क्या है, सुमित आपका सब्जेक्ट है और ये प्रदीप क्या है, प्रदीप आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपका सब्जेक्ट है ये, यहां पर सुमित ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और जो प्रदीप है ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे ही ये जो पिछला भाग है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इस पिछले भाग में ये आपका जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, और यहां पर लास्ट में ये फुल स्टॉप है, तो इससे हमें टाइप का पता चलता है भी टाइप कौन सी है, इन चीजों का अहम रोल होता है। अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही आपका सब्जेक्ट है, गो जो है वो मेन वर्ब है, और टू मॉर्निंग वॉक डेली ये बाकी का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो चीजें हैं ये आपको पहले क्लियर की जा चुकी हैं। अगर ये चीजें दे रखी हैं तो आपने क्या करना, भी टेंस चेंज नहीं होगा। हालांकि ये वाक्य करवाया जा चुका है, फिर भी मैं इसको भाई दोबारा से सोल्व कर देता हूं, आप अपने आप को देख सकते हैं बनाकर के सेंटेंस को, क्या आप ये सेंटेंस ठीक बना है या गलत बना है, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को भाई यहां पर सोल्व कर रहा हूं। तो अब ये जो सेंटेंस इसको बनाते हैं, सबसे पहले सुमित, सुमित मैंने आपको भाई फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई सेज टू को किस में बदलते हैं, तो सुमित सेज टू बदलते हैं टेस में, तो सुमित टेस, सुमित टेस प्रदीप, सुमित टेस प्रदीप। और ये टाइप का भी मैंने बता दिया, भी टाइप को कैसे पहचानते हैं, अगर यहां पर जो इन्वर्टेड कोमा है इसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई दे जाता है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखाई दे जाता है, तो इन दो चीजों से आपने पहचान लेना है, ये हमारी सबसे पहली टाइप है जिसको क्या कहते हैं, एसर्टिव। तो इस पहली टाइप का क्या नाम है, एसर्टिव, एसर्टिव ये आपकी टाइप है, एसर्टिव टाइप। अब हमें पता चल गया है एसर्टिव टाइप है, तो एसर्टिव टाइप में जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है दैट कनेक्ट्स टू लेटर, भी दो लेटरों को भी जोड़ सकता है, टू वर्ड्स दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, एंड मोर देन टू वर्ड्स और ए सेंटेंस, भाई जो सेंटेंस होता है उसको जोड़ सकता है, और मोर देन टू और मोर सेंटेंस, दो और दो से ज्यादा सेंटेंस को भी ये जोड़ सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है भाई, योजक शब्द को कहते हैं। अब यहां पर कंजक्शन कनेक्ट कौन करेगा, यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजक्शन करेगा। तो कंजक्शन कहां आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका, कंजक्शन आएगा। अब कंजक्शन के तौर पे क्या लगाएंगे एसर्टिव टाइप में, एसर्टिव टाइप में कंजक्शन के तौर पे लगाएंगे डेट, तो यहां पर क्या लगा देंगे आपका, यहां पर लगा देंगे डेट, डेट लगा देंगे। इसके बाद भाई जो इसमें एक फार्मूला कल आपको बताया था भाई, पिछली वीडियो में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, हमें कंजक्शन यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, हम डेट का यूज करते हैं इस टाइप में, एसर्टिव टाइप में। अब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन होता है वी यू योर यू,
फर्स्ट पर्सन में एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, आई माई माइन मी, यानी जो सबसे पहला जो केस होता है उसको सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस या भी नोमिनेटिव केस कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस और नोमिनेटिव केस एक ही बात होती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है पजेसिव केस, सेकंड नंबर पे क्या रहेगा पजेसिव केस, और थर्ड नंबर पे क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड नंबर पे क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो अभी ये जो तीनों बोल रहा हूं, जैसे भाई आई, आई आपका नोमिनेटिव केस कह सकते हो, सब्जेक्टिव केस कह सकते हो, सेकंड नंबर पे जो है पजेसिव केस, पजेसिव केस में जैसे माई है माइन है, ये पजेसिव केस में है, आई माई माइन मी, और मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक बार बोल रहा हूं, इसलिए वो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, आई माई माइन मी, वी आवर आवर्स अस, यू योअर योअर्स यू, ये आपका सेकंड पर्सन है, यू योअर योअर्स यू। इसके बाद भी आपका थर्ड पर्सन है, ही हिज हिम, सी हर हर्स हर, दे देयर देयर्स देम, इट इट्स इट। तो ये क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या है भाई आपका थर्ड पर्सन। तो अब आपने किस चीज का ध्यान रखना है, सुमित टेस प्रदीप डैक। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सुमित, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सुमित तो लड़का है, तो लड़के को क्या कहेंगे, ही कहेंगे, लड़के को क्या कहेंगे, लड़के को ही कहेंगे। अब टेंस, टेंस को चेंज कैसे करेंगे, जो गो है इससे पता चलता है भाई इसके साथ जो गो है यानी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीआईएस नहीं लगा हुआ है, यानी सिर्फ सिंपल क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता चल जाता है ये टेंस कौन सा है, इससे हमें पता चल जाता है ये जो टेंस है ये क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका टेंस है। तो अब एक बार थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं जो चीज पहले हो चुकी है। टेंस को आप कैसे आपने क्या करना है चेंज करना है, जैसे भी मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। हम कह सकते हैं भाई जैसे प्रेजेंट का जो पहला वो प्रेजेंट पास्ट के पहले में बदलेगा, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में और प्रेजेंट का चौथा पास्ट के चौथे में बदलेगा। ऐसे ही जो पास्ट का पहला होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला किस में बदलता है पास्ट के तीसरे में यानी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट का दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बदलता है पास्ट के चौथे में बदलता है यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। ऐसे ही जो हमारे मॉडल्स हैं, जैसे मॉडल्स हैं जैसे विल है भाई वो आपका वुड में बदलता है, विल वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, मी माइट में, और मस्ट को तीन तरह से बदला जाता है, मस्ट को मस्ट में भी हम बदलते हैं, मस्ट को जब कोई भी जरूरी चीजें होती हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी कानून से संबंधित चीजें होती है तो उन सभी चीजों को जो काफी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे लिए और इसका पालन न करने पर हमें सजा मिलती है, तो ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, वी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ आवर कंट्री, यानी हमें अपने जो देश के जो कानून है उनका क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए, तो वहां पर मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मस्ट को चेंज किया जाता है, जैसे हैव टू और वुड हैव टू में, जो काम आपको नेसेसिटी ऑफ द कंपल्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब बोलते वक्त नेसेसिटी ऑफ द कंपल्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो काम बोलते वक्त बहुत जरूरी होता है यानी उस काम को तुरंत करना होता है, यानी एडवांस आपको दिखाई दे जाए, उसमें मस्ट को हैड टू में बदलना है। तो मस्ट को किस में बदलना है, हैड टू में। तो जो काम जिस सेंटेंस में आपको एडवांस दिखाई दे जाए तो उस सेंटेंस में आपको मस्ट को हैड टू में बदलना है। अगर आपको भाई वो आपको दिखाई दे जाता है आफ्टर टू डेज, आफ्टर थ्री डेज, आफ्टर ए वीक, भाई एक सप्ताह का समय हो सकता है, दो दिन का समय हो सकता है, चार पांच दिन का समय हो सकता है, आफ्टर ए मंथ, भाई मंथ का समय हो सकता है, तो उसमें मस्ट को वुड हैव टू में बदलना होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब सुमित टेल्स प्रदीप दैट, तो फर्स्ट पर्सन बदल गया है इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया है, सब्जेक्ट क्या है सुमित, तो सुमित क्या है लड़का है, तो लड़के को क्या कहते हैं ही, तो यहाँ पर ही आ गया है। इसके बाद भी टेंस का पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले बदलेगा, तो जो यहाँ पर गो है किसमें बदल जाएगा,
ये आपका पास्ट के पहले यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो लगेगी, क्योंकि पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। और डिड का एक नियम है भी, जो डिड लगता है वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में लगता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है। इसका आपने ध्यान रखना है, जो सिंपल सेंटेंस होगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो डिड हमेशा कौन से सेंटेंस में आएगी, डिड हमेशा जो है वो नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है, या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है उसमें भी आती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करते। और ऐसे सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। He went to morning walk day। तो ये कुछ भी काफी सारे जो सेंटेंस है वे हमने कल कर लिए थे। तो मैंने ये बता दिया आपको इसके माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से ये आपको बताया है कि अगर आपको क्या दिखाई दे, आपको से दिखाई दे, आपको सेज दिखाई दे, आपको से टू दिखाई दे, आपको सेज टू दिखाई दे, आपको विल से दिखाई दे, आपको विल से टू दिखाई दे, सेल से दिखाई दे या सेल से टू दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, आपने जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। चेंज क्या करना होता है, चेंज जो प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज करना होता है। प्रोनाउन आपको बताए गए हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन उनको चेंज करना होता है, या फिर आपका क्या चेंज करना होता है, आपने भी जो नियरनेस से संबंधित जो वर्ड होते हैं वे कौन से होते हैं, नियरनेस से संबंधित वर्ड जैसे भी दिस है, दिस बदलेगा डेट में, यानी कोई चीज जो पास में है वो दूरी के शब्दों में बदल जाएगी। यानी कोई चीज हमारी नियर है तो उसको फार में कन्वर्ट करना है, जैसे दिस है, दिस बदल जाएगा डेट में। दीज दोज, हियर देयर, हियर किस में बदल जाएगा, देयर में। नाउ देन, एगो बिफोर, टूडे डेट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। टुमारो किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। और यस्टरडे किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे। हेंस, हेंस का मीनिंग होता अब से, हेंस देंस में बदलेगा यानी तब से। हिदर थीदर में बदलेगा, इधर से हिदर में, इधर से थीदर उधर से। तो ये कुछ वर्ड है जिसका आपको ध्यान रखना है, इनको कहते हैं स्मिता के शब्द, उनको किसमें चेंज करते हैं, दूरी वाले शब्दों में हम इसको चेंज करते हैं। इसका आपने क्या करना है, इसका आपने ध्यान रखना है इन चीजों का, यानी जो नियरनेस से संबंधित जो वर्ड होते हैं वे दूरी के शब्दों में बदल जाते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अगर आपको यहां पर जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको भाई जैसे यहां पर जो सीएच टू आपको दिखाई दे रहा है, इस सीएच टू की जगह अगर आपको इस सीएच टू की जगह क्या दिखाई दे, अगर आपको यहां पर सीएच टू की जगह मैं लिख देता हूं, यहां पर सैड टू लिख देता हूं, सैड टू सीएच टू की जगह क्या लिख देता हूं, सुमित सैड टू प्रदीप, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। अभी सेंटेंस को देखिए, अभी ये जो सेंटेंस है अब इसको आप देखेंगे, तो प्यारे बच्चों जो पिछला सेंटेंस है जो अभी हुआ है उसमें फिर जो कल आपकी जो गलती की थी आज फिर वही गलती की गई है। तो मैं आपसे भाई उस बात को पूछना चाहता था, जैसे भाई सेज है, सेज टू, मैंने सेज टू लगा रखा है और मैंने पिछले वाक्य में आपको क्या करवा दिया है भाई, उसका टेंस चेंज कर दिया है। तो आपने इन चीजों को क्या करना है, इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है, इन चीजों को तुमने देखना है भी ऐसा क्यों किया गया है, तो वो आपने नहीं करना है। तो यहां पर सुमित सेज टू प्रदीप, भाई सुमित ने किसे कहा है, प्रदीप से। मैंने कहा टेंस चेंज नहीं करना है तो नहीं करना है, तो जो पिछला सेंटेंस है वो आपका बन चुका है, लेकिन आपने वो क्या करना है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पकड़ना है, इन गलतियों को आपने ढूंढना है। तो कैसा सेंटेंस बनेगा, सुमित सेज टू किस में बदल जाएगा, सुमित टेस प्रदीप, सुमित टेस प्रदीप।
फिंच जो अभी मैंने आपको जब बार बार मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ फिर भी आप नोटिस नहीं करे उन चीजों को कि भैया अगर आपका CH2 दिखाई दे जाए है या फिर CH2 दिखाई देता है तो आपने टेस्ट को चेंज नहीं करना है। तो सुमित टेस्ट प्रदीप कंजक्शन जगह पे क्या लग गया डेट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल गया है तो फर्स्ट पर्सन बदल गया है सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही आ गया है। अब जो सुमित टेस्ट प्रदीप कंजक्शन तौर पे क्या लग गया डेट फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब टेंस वही रहेगा टेंस को चेंज नहीं करना कल भी यही समझाया था टेंस को चेंज नहीं करना है आज भी यही बता रहे टेंस को चेंज नहीं करना है। जो पिछला वाक्य है भाई वो मिस्टेक की थी मैंने जानबूझ करके की थी आपको ये समझाने के लिए भी जब मैं बोल रहा हूं भी टेंस चेंज नहीं करना है तो नहीं करना है चीजों तुमने नोटिस करना है। अब सुमित टेंस प्रदीप कंजक्शन तौर पर क्या लग गया डेट फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या लग गया ही के बाद हमेशा क्या होता है ही सिंगुलर है तो वह भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली। तो सुमित शेष टू को किस बदल दिया टेस्ट में उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रदीप कंडीशन तौर पे क्या लगा डेट फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार तो ही। अब टेंस वही रहेगा टेंस को चेंज नहीं करना प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रहेगा। ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली यानी वो रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। अब इस सेंटेंस को आपने क्या करना है भाई अगर मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था अगर आपको से दिखाई देता है सेज टू दिखाई देता है से टू दिखाई देता है विल से दिखाई देता है सेल से दिखाई देता है ठीक है विल से टू दिखाई देता है सेल से टू दिखाई देता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रखना है प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रखेंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। मैंने पिछले वाक्य को चेंज किया था वो आपको भी ये देखने के लिए आप नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए इसको किया था। तो ये आपका क्या बनेगा ये आपका एक्टिव सेंटेंस है जो तुम्हें याद रखना है ध्यान रखना है मेरी टेंस चेंज नहीं होगा। अब जो इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है वो बताता हूं आपको यहां पर यानी जो से है अगर यहां पर सेज की जगह है अगर मैं यहां क्या कर देता हूं यहां पर क्या कर देता हूं सैड सुमित सैड टू प्रदीप सुमित सैड टू प्रदीप आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। अब सेंटेंस यही है तो इस सेंटेंस में क्या है सैड टू को आपको बताया गया कि सैड टू किसमें बदलेंगे सैड टू को बदलेंगे हमें टोल्ड में सैड टू किसमें बदलेंगे टोल्ड में सैड टू किसमें बदलेंगे टोल्ड में तो सुमित टोल्ड प्रदीप अगर कोई किसी की हैबिट है अगर कोई हैबिट है तो हैबिट को चेंज नहीं करते हैं जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करते हैं तो सुमित सेट को बदल दिया टोल्ड में सुमित टोल्ड प्रदीप कंजक्शन के तौर पे क्या लग गया डेट फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार ही टेंस वही रहेगा टेंस को चेंज नहीं किया जाएगा तो सुमित ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली। तो इसमें आपको क्या समझना है इसमें आपको ये समझना है कि जो टेंस है अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है भी जो आपकी आदत है उसको चेंज नहीं करना है या कोई भी किसी कहानी का मोरल हो सकता है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव कोई भी यूनियन स्ट्रेंथ कोई भी मोरल है तो मोरल को भी चेंज नहीं करना होता किसी भी कहानी के मोरल को हमने चेंज नहीं करना है और किसी की हैबिट है हैबिट को भी हमने चेंज नहीं करना है समझ रहे हो इन चीजों को जो बातें ट्रूथ है जिसको कहते हैं जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ तो चेंज किसको नहीं करना है मान लो किसी की हैबिट आपको दिखाई देती है तो हैबिट को चेंज नहीं करेंगे या आपको क्या दिखाई देता मोरल किसी भी कहानी का जैसे मोरल है जो नैतिक शिक्षा क्या मिलती है तो मोरल को हम चेंज नहीं करेंगे या और किसको चेंज नहीं करेंगे भाई जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सार्वभौमिक सच्चाई जो सार्वभौमिक सच्चाई से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो अब ये चीजें क्या है भाई इनको हम चेंज नहीं करते हैं नो चेंज ये जितनी भी हमारी सच्चाई की बातें हैं ना जितनी भी बातें सच हैं तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज नहीं किया जाता चेंज क्या किए जाते हैं उसके जो प्रोनाउन है और जो नियरनेस को संबंधित जो नियरनेस से संबंधित जो वर्ड है उसको हम चेंज करते हैं। तो
तो नियरनेस के जो संबंधित जो वर्ड है उसको दूरी के शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था जैसे दिस है वो डेट में बदल जाता है। लेकिन चेंज किसको कहते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल कोई भी सिंपल स्टेटमेंट है यानी कोई सामान्य कथन है तो सिंपल स्टेटमेंट को हम चेंज करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। अगर सेड या सेड टू आया हुआ है और जो सेंटेंस है वो सिंपल है तो उसको